हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो अपना लाइट लेसन अभी ख़त्म हुआ है, ये उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। बुक के अंदर आपको मिल जाएगी एज इट इज, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली या परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली कोई लाइट गिरती है तो क्या होता है? मान लीजिए ये मिरर है हमारे पास है, और कोई रे ऑफ लाइट अगर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के आती है। हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो यही लाइट के आने का रास्ता है और यही नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ उसने बनाया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ही नॉर्मल के साथ बना के वो वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अगर 30 डिग्री से आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब मान लेते हैं ये नॉर्मल है और रे आई 30 डिग्री से। तो कोई रे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर आती है तो 30 डिग्री एंगल ही नॉर्मल के साथ बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर कोई लाइट 30 डिग्री एंगल बना के आती है तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन मिरर को स्ट्राइक करती है एट एन एंगल 40 डिग्री टू द सरफेस ऑफ मिरर। तो ये कहता है सरफेस के साथ, ये नॉर्मल के साथ नहीं बनाता है, ये सरफेस के साथ 40 डिग्री बनाता है। तो अब क्या होगा इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये मिरर है और लाइट आई, लाइट ने 40 डिग्री बनाया मिरर के साथ है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है वहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं एन। तो लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, सॉरी, 50 डिग्री। तो हमने देखना होता है आई जो होता है वो नॉर्मल के साथ चेक करना होता है लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया। तो लाइट ने नॉर्मल के साथ बनाया 50 डिग्री, क्योंकि ये टोटल है 90। तो अब वो नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल ही बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली अगर आती है तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है क्योंकि नॉर्मल के साथ उसने 0 डिग्री एंगल बनाया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मड इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है? तो प्लेन मिरर में इरेक्ट सेम साइज वाली और वर्चुअल इमेज बनती है ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन के अंदर जो इमेज होती है वो रियल होती है क्योंकि एक्चुअल में रेज वहाँ पे मिलती हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज की वर्चुअल इमेज के लिए हमें प्लेन मिरर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना इन विच द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेफ्ट साइड ऑफ दी इमेज। बगलें जिसमें चेंज हो जाती हैं प्लेन मिरर के अंदर उसको बोलते हैं
लेटरल इन्वर्जन। तो फिनोमिना का नाम हो जाएगा लेटरल इन्वर्जन। नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर राइट विद आवर राइट हैंड इट अपीयर, जब हम राइट हैंड से लिखते हैं मिरर के सामने तो ऐसा लगता है कि इमेज उसको लेफ्ट हैंड से लिख रही है। इस फिनोमिना का क्या नाम हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, सेवन्थ का जो आंसर था लेटरल इन्वर्जन। नाइन्थ क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो कहता है इमेज कहाँ बनेगी। इसको फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है और इसके 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जितना सामने, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज बनती है। तो इमेज 10 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनेगी। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक ए पेंसिल कास्ट ए शैडो व्हेन हेल्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट, जब लाइट के सामने हम पेंसिल को रख देते हैं तो पेंसिल की शैडो बन जाती है, किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी प्रॉपर्टी के कारण शैडो बनती है। इलेवंथ क्वेश्चन, द इमेज सीन इन ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्मड ऑन स्क्रीन, प्लेन मिरर से जो हमें इमेज मिलती है वो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं की जा सकती। व्हाट नेम इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ इमेज, ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे? ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ट्वेल्थ, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड, ये कहता है व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अ स्टूडेंट सेज दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आई इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई दी ऑब्जेक्ट, कहता है हमारी आँख से लाइट निकलती है और ऑब्जेक्ट उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये गलत बात है, लाइट हमारी आँख से निकलती नहीं है, लाइट हमारी आँख के ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इमेज, वेयर इज द इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग इन मिरर, ये कहता है वेयर इज द इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग इन मिरर। तो मिरर में जब आप देखते हैं तो इमेज कहाँ है? इमेज मिरर के पीछे होती है और उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए प्लेन मिरर सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बोलता है दैट मीन नॉर्मल के साथ उसने 30 डिग्री बनाया है। व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर सरफेस, लेकिन मिरर सरफेस के साथ क्या एंगल बनेगा? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मिरर हो गया और नॉर्मल बना लेते हैं डिफरेंट कलर से, ये है नॉर्मल, रे आई 30 डिग्री आई एंगल उसने बनाया। अब 30 डिग्री अगर उसने एंगल बनाया तो 30 डिग्री ही एंगल रिफ्लेक्शन एंगल बनाएगी। अब कहता है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने मिरर के साथ क्या एंगल बनाया, तो मिरर के साथ एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में करिए।